हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप? तो गाइस फिर से एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने PS5 को हमेशा अपग्रेड करते रहता। खैर आज तक सिर्फ स्किन लगाया है एक, ठीक है, खैर मतलब अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो कुछ PlayStation 5 के एक्सेसरीज वगैरह मैंने सोचा कि खरीदा जाए भैया। तो मेरे माइंड में कूलिंग स्टैंड लेते हैं, या कंट्रोलर का चार्जिंग डॉक लेते हैं, या CD का स्टैंड लेते हैं। तो फिर मैं सोचा क्यों ना सब ले लिया जाए। तो आज हमारे पास देख सकते हो वोल्टमिक तरफ से आने वाला मल्टी फंक्शनल PS5 कूलिंग स्टैंड। यस, इसमें आपको डिस्क रैक भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे चार्जिंग डॉक भी मिल जाएगा आपके कंट्रोलर्स के लिए, और यहाँ पे मीडिया रिमोट का भी स्लॉट मिल जाता है, और इसमें फ़ैन भी है आपके PS5 की कूलिंग के लिए। खैर PS5 को कूलिंग की उतनी अलग से रिक्वायरमेंट तो है नहीं, बट फिर भी इसमें है तो भैया क्या ही दिक्कत है अपने को। क्या करेंगे ये वाली वीडियो में, इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसको पूरा सेटअप करके देखने वाले हैं। मेरे पास अच्छा खासा देख सकते हो PS5 डिस्क का कलेक्शन है, तो पूरी डिस्क वगैरह अच्छे से लगा होगा कि देखेंगे पूरा अपना PS5 वाला सेटअप अपने ये स्टैंड में लगा के। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार गाइस, इस तरह से रहता है हमारे PS5 मल्टी फंक्शनल कूलिंग स्टैंड का बॉक्स, और देख सकते हो ये वोल्टमिक की तरफ से आता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि थर्ड स्पीड कन्वीनियंट चार्जिंग और LED लाइट इंडिकेटर, और डब्बे पे साफ साफ लिखा हुआ है भैया दिस प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड कॉन्सोल और कंट्रोलर। ऑब्वियसली भैया 3500 रुपए में कौन आपको कॉन्सोल कंट्रोलर दे देगा। और बैक साइड में आ जाए तो बैक साइड में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि आपको कैसे कैसे कनेक्ट कराना है, कैसे कैसे चीज़ों को रखना है। तो चलो ओपन करके देख ही लेते हैं भैया कैसा रहता है हमारा कूलिंग स्टैंड PS5 का। ऑल राइट, तो इस तरह से रहता है हमारा कूलिंग स्टैंड। यहाँ पे देख सकते हो एक टाइप वाई की केबल मिल जाती है, मतलब 2 USB और एक टाइप सी, जो कि टाइप सी पोर्ट हमारे इसमें दिया होगा कूलिंग स्टैंड में, और 2 USB हमारे PS5 में लग जाएंगे। ये कंट्रोलर की चार्जिंग के लिए होगा आई गेस। चलो जी, एंड यहाँ से ओपन कर लेते हैं कूलिंग स्टैंड। ऑल राइट, तो इस तरह से रहेगा हमारा कूलिंग स्टैंड, एंड यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह दी हुई है जिस, एंड यहाँ पे भी वही डब्बे के पीछे जो चीज़ें दी हुई थी वही चीज़ें दी हुई हैं। इसको रख देते हैं साइड में, और यहाँ पे देख सकते हो एक स्क्रू दिया गया है इतनी बड़ी सी प्लास्टिक में, और ये स्क्रू वही हमारे PS5 के साथ जो मिलता था उसी तरह का स्क्रू है। चाहो तो इसको स्क्रू से भी यहाँ से टाइट कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रू के लिए। ये LED इंडिकेटर्स हैं जो कि कंट्रोलर के चार्जिंग के लिए दिए गए हैं, और ये उसी शेप में जलते भी हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा कूलिंग फैन रहेगा, उसका LED इंडिकेटर यहाँ पे हमको चलता हुआ दिखेगा, वो हम कनेक्ट करके देख लेंगे। बैक साइड में आ जाए तो यहाँ पे टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा जिसमें हमारी ये वाली केबल लग जाएगी। तो इस तरह से टाइप सी वाले पोर्ट में हमारी ये वाली केबल लग जाएगी, और ये दो केबल हमारी हमारे PS5 में लग जाएगी, और दोनों पोर्ट आपके बैक साइड के ऑक्यूपाई हो जाएंगे PS5 में। तो ये कंट्रोलर की चार्जिंग के लिए है, अगर आप कंट्रोलर चार्ज नहीं करना चाहते यहाँ से तो इसे मत लगाओ, आपकी मर्ज़ी। और चाहो तो आप अलग से भी कहीं टाइप सी से पावर दे दो तो भी आपका कंट्रोलर दोनों चार्जिंग वर्क करेगा, अगर आप PS5 का पोर्ट ऑक्यूपाई नहीं करना चाह रहे हो तो। एंड यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे डिस्क का स्पेस दिया हुआ है, इसमें आप अपने डिस्क वगैरह रख सकते हो। अभी मैं सब रख के अच्छे से सेटअप करके आपको दिखा दूंगा। एंड आगे आ जाएं तो आगे के साइड में यहाँ पे आपको मीडिया रिमोट का यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन, इसमें आप मीडिया रिमोट रख सकते हो। और ये देख सकते हो ये है ना, इसमें आप अपना PS5 डिजिटल और PS5 डिस्क वाला दोनों भी रख सकते हो, दोनों के लिए कटआउट दिया हुआ है यहाँ पे। एंड बैक साइड में आ जाएं तो बैक साइड की ये जो बटन दी गई है ना, ये हमारे फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए है। आप नॉर्मल स्पीड, वेरी हाई स्पीड और एक लो स्पीड में यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो अपने फ़ैन की स्पीड को। एंड पीछे की साइड में यहाँ पे देख सकते हो स्क्रू के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया, जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्क्रू से भी टाइट कर सकते हो, तो यहाँ से आप स्क्रू से भी टाइट कर सकते हो। रबर की ग्रिप्स भी लगाई गई हैं जिससे बिल्कुल भी आपके प्लेटफॉर्म से ये स्लिप नहीं होगा, और बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी सी है। ये चीज़ तो मेटल है एंड बाकी ऊपर की चीज़ें प्लास्टिक है हमारी। एंड चलो फाइनली अपने PS5 को इस पे रखते हैं और डिस्क वगैरह लगाते हैं, कंट्रोलर वगैरह सब कुछ सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो हमने फाइनली कर लिया अनबॉक्स अपने स्टैंड को, अभी इसको सेटअप करने का टाइम आ गया अपने PS5 से, और ये केबल के थ्रू हम पीछे से चार्जिंग कनेक्ट कर लेंगे। चलो जी सेट करते हैं अभी के अभी। ओके, सबसे पहले अपने डिस्क वगैरह को यहाँ से हटाते हैं भैया, और मेरे पास अराउंड 13-14 डिस्क हैं, और देखते हैं इसमें कितनी आती हैं। आई गेस 10 स्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे बस। और ये रहा हमारा स्टैंड, इस तरह से कनेक्ट करके यहाँ पे रख लेंगे अपने स्टैंड को, और बाकी अभी मैंने PS5 की केबल्स वगैरह डिसकनेक्ट कर रखी हैं। एंड ये रहा हमारा PS5, नीचे से मैं अभी स्क्रू वगैरह नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ लगाने की ज़रूरत है, बट थोड़ा सा ऐसा हिलेगा, बट यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मेरे PS5 को, इसलिए मैं केबल नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल में। एंड बैक साइड में यहाँ पे मैं वायर से भी कनेक्ट कर दूंगा अपने PS5 को। तो बैक साइड में देख सकते हो अपनी यहाँ पे ये पावर केबल मैंने लगा ली, या HDMI लगा ली, और दोनों USB पोर्ट हम देख सकते हो यहाँ पे 2 USB पोर्ट दिया गया है PS5 में, तो दोनों USB पोर्ट हम इस तरह से लगा लेंगे। एंड यस, हमारा ये कनेक्ट हो गया, इससे जैसे अभी ये पावर ऑन होगा स्टैंड भी पावर ऑन हो जाएगा। ओके, ये हो गया पावर ऑन, यहाँ पे लाइट, हाँ लाइट आ गई, देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रही है,
और अभी कंट्रोलर हमने रखा नहीं इसलिए ब्लू जल रहा है। जैसे हम कंट्रोलर रखेंगे, ये वाला रखते हैं, ये शायद फुल चार्ज होगा। हाँ ये फुल चार्ज है इसलिए ये रेड नहीं हो रहा है, इसलिए ये ब्लू है, क्योंकि ऑटो कटआउट होता है हमारे PS5 के कंट्रोलर की चिप्स में, इसलिए ये ब्लू है। और यहाँ पे ये रेड हो गया है क्योंकि ये चार्ज नहीं अभी, और ये चार्जिंग हो रही है। रेड का मतलब चार्जिंग हो रही है, ब्लू का मतलब कि कंट्रोलर फुल चार्ज हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट जल रही है, इस लाइट को हम पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बटन दबाया, ऑरेंज हो गया, अभी नॉर्मल पे है फैन स्पीड। अभी एक और बटन दबाएंगे, ग्रीन मतलब सबसे लो पे है फैन स्पीड, और रेड हो रहा है और बंद भी कर सकते हैं हम उसको। रेड हो रहा है मतलब कि सबसे हाई पे है अभी फैन स्पीड हमारी। सो इस तरह से आप यहाँ से कंट्रोलर वगैरह चार्ज कर सकते हो, और यहाँ से पीछे से बटन से चार लेवल पे फैन स्पीड वगैरह कर सकते हो अपनी। एंड अभी बारी आई यहाँ पे डिस्क वगैरह सेटअप करने की, तो चलो फटाफट से यहाँ पे डिस्क भी सेटअप कर लेते हैं। रेंट व्हील 4 भी हमारी सामने की तरफ लग गई है, और अभी तीन डिस्क एक्स्ट्रा हैं जो ये लग नहीं पाई। ये तो हमारी स्टील बुक है, तो मुझे नहीं लग रहा ये स्टील बुक आएगी। एक बार ट्राई करते हैं स्टील बुक आती है कि नहीं इसमें। नहीं भाई, स्टील बुक नहीं आ रही है। तो जो रेगुलर साइज की स्टैंडर्ड डिस्क है वही आपकी आ पाएंगी, स्टील बुक वगैरह नहीं आएगी इसमें। और सेटअप होने पर कुछ तरह से दिखेगा। तो ये जो सेक्शन है ये मीडिया रिमोट रखने का है, तो मेरे पास मीडिया रिमोट है नहीं, बट हम टीवी का रिमोट रख सकते हैं, तो मैंने टीवी का रिमोट यहाँ पे रख दिया। देख सकते हो बढ़िया लग रहा है काफ़ी। तो यार गाइस देख सकते हो इस तरह से सेटअप होने के बाद ओवरऑल अपना दिखता है PS5 वाला कूलिंग स्टैंड, और काफ़ी कूल लग रहा है। और ये जो कंट्रोलर चार्जिंग वाला सिस्टम है ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मोस्टली कंट्रोलर चार्ज करने के लिए अलग से लंबी सी केबल निकाल के यहाँ वहाँ चार्ज में लगाओ, अब एक कंट्रोलर से खेलो एक रख दो चार्ज होने के लिए। PS5 ऑन होने के साथ साथ एक कंट्रोलर भी चार्ज होता रहेगा, या फिर रेस्ट मोड पर छोड़ दोगे तो भी ये वर्क करते रहेगा, तो भी ये पावर इसको देता रहता है। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ जिसकी वजह से आपका एक पोर्ट फ्री रहेगा, सिर्फ एक ही ऑक्यूपाई रहेगा। तो नॉर्मल टाइप सी केबल आपके पास तो जरूर होगी घर पे, तो छोटी सी एक केबल मैंने टाइप सी वाली यहाँ पे देखो लगा रखी है, और दोनों ही पोर्ट में मुझे पावर आउटपुट आ रहा है। मतलब कि डबल USB केबल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंगल भी कोई नॉर्मल USB केबल लगा दो तो भी आपके दोनों कंट्रोलर चार्ज होंगे और एक पोर्ट आपका फ्री रहेगा। पर्सनली ये स्टैंड मुझे काफी पसंद है, आप लोग लेना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की लिंक दे दूंगा, जाके परचेज कर सकते हो। सो चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट।